स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। अब दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रीजनल सिनेमा इस कदर डेवलप हो रहा है, इतना बेहतर बन रहा है कि सीधा टक्कर होने वाली है। 21 अप्रैल ईद वाले दिन क्या होने वाला है? ईद वाले दिन जहां एक तरफ भाईजान सलमान खान अपनी फिल्म लेकर आ रहे हैं किसी का भाई किसी की जान, वहीं दूसरी तरफ बंगाली सिनेमा भी दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, सत्यजीत रॉय कैसे हम बोल सकते हैं उनको, उनका सिनेमा जिन्होंने एस्टैब्लिश किया, जिन्होंने एक से एक बेहतरीन कहानियां हमें बताई हैं दोस्तों, पाथे पंचाली हम कैसे भूल सकते हैं, उस तरफ से यानी कि बंगाल फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से चंगेज आ रही है। चलिए बात करते हैं, इसका ऑफिशियल टीजर आ चुका है हिंदी में। तो जीत, सुष्मिता, रोहित रॉय, सताफ, नीरज पांडे, ये सभी तमाम बड़े बड़े नाम मिलाकर इस बड़ी फिल्म को लेकर आ रहे हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसका जो टीजर है क्या किक ऐस है, लिटरली मजा आ गया देख के। मुझे केजीएफ की याद आ गई और मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी लग रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए राहुल भोज 1515। चलिए बात कर लेते हैं चंगेज के बारे में। तो भाई सबसे पहले तो आपको बता दूं दोस्तों, तो ग्रास रूट एंटरटेनमेंट की तरफ से चंगेज, जी हाँ दोस्तों, चंगेज रिलीज किया गया है। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसी चंगेज में इतना बेहतरीन, मतलब इतना बेहतरीन एक्शन है, फुल सपोर्ट मेरी तरफ से, तो लिटरली मजा आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात, ये पैन इंडिया रिलीज हो रही है। पैन इंडिया बोले तो हिंदी में रिलीज हो रही, तमिल, तेलुगु, और इसके उसमें लिखा हुआ था, एक सेकेंड ना मैं बताता हूँ आपको, हाँ हर जगह रिलीज हो रही है दोस्तों। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चंगेज की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें डायरेक्शन, डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले जो है राजेश गांगुली का है, और स्टोरी जो है नीरज पांडे जी की है, नीरज पांडे जिन्होंने एमएस धोनी, बेबी, ये सारी फिल्में बनाई हैं। तो दोस्तों चंगेज की अगर बात करें तो इसमें जीत हमें जबरदस्त खतरनाक एक्शन करते हुए नजर आएंगे, जो कि कहीं ना कहीं यश भाई के केजीएफ की भी हमें याद दिलाता है। वैसे आपको बता दूं मुझे डर क्यों लग रहा है सलमान साहब की फिल्म के लिए, यानी कि किसी का भाई किसी की जान के लिए, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो 2018 में आई थी जीरो, राइट, 21 दिसंबर को रिलीज हुई थी, और उन्हीं के साथ एक रीजनल सिनेमा से रिलीज हुई थी जो कि थी केजीएफ। केजीएफ ने हिला के रख दिया था, उसने जीरो की ऑडियंस भी खा ली थी। यहां पर दोस्तों चंगेज बहुत ज्यादा अल्टीमेटम गजब लग रही है। हालांकि भाईजान सलमान खान की अगर बात करें तो उनका तो अलग ही चार्म है, लोग जो है उनको देखने के लिए जाएंगे ही जाएंगे और दिल खोल कर यू नो फिल्म को देखेंगे वो। बट चंगेज को भी हम जो है यू नो कह सकते हैं कि आप लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि एक्शन तो कमाल का लग रहा है, स्टोरी भी एक गैंगस्टर की है, तो गैंगस्टर की स्टोरीज तो हमें देखने में वैसे भी मजा आता है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इस ईद क्या होता है बड़ा बवाल। आई एम एक्साइटेड फॉर बोथ फिल्म। मैं चंगेज जरूर देखूंगा और उसका रिव्यू भी आपको जरूर करके बताऊंगा। आप बस बने रहो चैनल के साथ, चंगेज से जुड़ी हुई हर एक अपडेट मैं आपको बताऊंगा। सो कीप ऑन वॉचिंग टेली खजाना। बाय बाय।